हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके छोटे नन्हे मुन्ने बेबीज भी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मॉमीज, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जो आपके आने वाली है बहुत काम। अक्सर मॉमीज जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बेबी को, जब बेबी बहुत छोटा होता है और या जब तक आप कराना चाहती हैं, आप अक्सर सुनती होंगी कि बहुत थक जाती हैं ब्रेस्ट फीड करा के, या उनको चक्कर आते हैं, या वो एकदम लेट जाती हैं कि बहुत थकान महसूस होती है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर पाती। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 80% वाटर से बना होता है और जब बेबी उसे सक करता है, यानी जब बेबी उसे पीता है, स्वॉलो करता है, तो हमारे अंदर से वाटर कंटेंट कम हो रहा होता है, मतलब पानी जा रहा होता है। अब पानी जा रहा है तो ऑब्वियसली हमें कमी होगी, हमें बीपी लो लगेगा, हमें लगेगा हमें चक्कर आ रहे हैं, या हम कुछ ऐसे कुछ अलग अलग, हर बॉडी पे अलग अलग सिम्टम वेरी करते हैं। तो मॉमीज, ये कारण होता है कि हमें चक्कर आते हैं या हमें कई बार थकान महसूस होती है। तो मॉमीज, जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराएं अपने बेबी को, तो उससे पहले, यानी जब वो ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, तो उससे पहले आप एक ग्लास पानी या दो ग्लास पानी नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल वाटर, मटके का हो, मयूर जग का हो या किसी का भी, आपको वो पीना है। इसके अलावा आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, या छाछ ले लिया आपने, एक ग्लास दूध पी लिया, या फिर आप कोई भी जूस अगर आपको पसंद है, आपके घर में फ्रेश जूस निकला है, आपने वो ले लिया। कुछ ऐसी लिक्विड चीज लीजिए जो आपको पीने के बाद थकान महसूस ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से वाटर जा रहा है और आप कुछ सॉलिड खाएंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा, फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब हम कुछ लिक्विड लेंगे तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए मॉमीज ध्यान रखिए, जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, देखिए जब बच्चा बढ़ता है तो उसकी नीड्स भी बढ़ती हैं। जब बच्चा छोटा है तो वो थोड़ा दूध पिएगा, जब बच्चा बड़ा है तो वो ज़्यादा दूध पिएगा। तो इसीलिए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप हर टाइम अपना ग्लास ऑफ वाटर बढ़ाते रहिए। अगर मान लीजिए 3 साल का बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो आपको 3 से 4 ग्लास पानी या 2 से 3 ग्लास मिनिमम पानी तो ब्रेस्ट फीड के पहले पिलाना ही है। मॉमीज, मेरे साथ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं ट्रेवल कर रही थी, मेरी बेटी छोटी, मतलब 4th या 5th मंथ की थी, मैंने अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बीपी लो सा फील होने लगा कि मेरा थ्रोट एकदम सूख गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं तो उससे पहले पानी पी लें, लेकिन उस टाइम मेरे पास पानी अवेलेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेस्ट फीड कराया तो मैंने तुरंत पानी की बॉटल खरीदी और मैंने पानी पिया, तब जाके मुझे आराम मिला। तो मॉमीज, हमेशा ध्यान रखें कि बेबी को जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूरी है, और बेबी की नीड के अकॉर्डिंग अपने ग्लास ऑफ वाटर्स बढ़ाते रहिए। तो मॉमीज, ये टिप ज़रूर ध्यान रखिए, तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके बेबी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो दूध भी उसी हिसाब से बनेगा। तो मॉमीज, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको NBG Life को सब्सक्राइब करना होगा।